कैटरीना ने पहुंचाई सबरीना को सबसे गहरी चोट। कैटरीना के वार से सबरीना हुई शॉक। सीरियल विश में आज हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है। कैटरीना ने सबरीना से एक ऐसे शख्स को छीन लिया है जो कि सबरीना के दिल के बेहद करीब था। अब जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सबरीना और विशाली कैसे अपने प्यार विशैला को बचाए रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, जिस विशैला को इतने सालों से सबरीना ने सबसे छुपा कर जिंदा रखे हुए था, उसी विशैला को कैटरीना ने बनाया है अपना टारगेट। आज कैटरीना ने सबरीना से बदला लेने के लिए विशैला को फिर से मौत के घाट उतार दिया है। सो बेसिकली जैसे कि अभी हमने एक सीन शूट किया है, उसके अंदर जो उसका प्यार है विशैला, जिसके लिए विशैली का डे वन से दिखाया है कि उसके लिए वो ये सारा तामझाम कर रही है, किसी का दिल ले रही है, किसी को मार रही है, तो मैंने उसी को ही ख़त्म कर दिया, क्योंकि मुझे इस बात का गुस्सा है कि इसने मेरी सारी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी, तो अब मैं इसको जीने नहीं दूंगी। तो मैंने इसके जीने का मकसद जो है उसी को ही मार डाला। जिस विशैला में सबरीना की जान बसती है, कैटरीना ने तो उसी की जान ले ली। विशैला की मौत पर आज सबरीना खूब फूट फूट कर रो रही है, लेकिन साथ ही कैटरीना को उसके किए पर दर्दनाक मौत की सजा भी दे रही है। देखिए तो जरा कैसे कैटरीना का गला घोंट कर सबरीना उसे तड़पा तड़पा कर मार रही है। आज अपने प्यार को खो चुकी सबरीना का कहर कैटरीना पर मौत बनकर टूटा है। अब तो कैटरीना की खैर नहीं, ऑफ कोर्स आएगा ही ना, क्योंकि किसी से उसका प्यार, उसकी जिंदगी और क्या कहते हैं उसके जीने का मकसद छीन लो तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आई मीन रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है, बाकी शो है ये तो, और सुपरनैचुरल है और टीवी है जिसमें किसी को कुछ नहीं पता होता, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कहीं से कुछ आ जाए और वापस से कैटरीना लाइफ में आ जाए, बिकॉज सुपरनैचुरल है ना। बिल्ली तो कभी ह्यूमन में देखी भी नहीं होगी लोगों ने, जो यहाँ पे दिखा दी इन्होंने, तो आई एम श्योर मुझे तो इस शो में आई थिंक ये भी नहीं पता था कि बिल्लियों की 9 जिंदगियाँ भी होती होंगी। सो इट्स टीवी, जैसे कि मैंने बोला कि यू नेवर नो कब कहाँ क्या ट्विस्ट आ जाए। शो में बहुत जल्द एक नया ट्विस्ट आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक विश कन्या एक विश पुरुष के संग ही प्यार रचाती है। अब जब विशैला की मौत हो चुकी है तो सबरीना ने किया है फैसला आदित्य को अपने प्यार के जाल में फंसाने का, क्योंकि सबरीना ने आदित्य की पीठ पर विषक का निशान जो देख लिया था। सबरीना अपने मकसद में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। आदित्य का प्यार पाने के मकसद में उसके लिए अड़चन बनी है आलिया, जिसे आदित्य अब बे इंतहा प्यार करते हैं, और अब सबरीना उसकी जान के पीछे पड़ चुकी है। वेल, सबरीना ने तो ठान ली है कि वो आदित्य का प्यार हासिल करके ही रहेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए सबरीना साजिशों के कौन से जाल बुनती है। मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24।